पहला चीज़ मैं भगवान से मेरा ये कहे कि जल्दी थोड़ा बारिश कम हुआ है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच रेन इन ए शॉर्ट टाइम 37-40 centimeters 370-400 millimeters ऑफ रेन, वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही थोड़ा रिलीफ दिया है। इसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और तुरंत स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे हैं, होम मिनिस्टर से पूछ के जो जो नेसेसिटी है, अपना छोटा स्टेट है इसलिए इमीडिएट रिलीफ के लिए ऐसे सिचुएशंस में जो भी ट्यूब बोर्ड्स है बाकी के है वो कम था, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इसमें से लोग उनको भेजे हैं और 40 करोड़ रुपया भी रिलीज करे हैं, कैंप में तुरंत शिफ्ट करें, उससे ज़्यादा कैजुअल्टीज नहीं हुआ, जो भी हुआ है लैंड साइड्स रूरल एरिया में हुआ है और उन लोगों को गवर्नमेंट जो सहायता करना है करते हैं, कैंपों को इमीडिएटली शिफ्ट करे हैं, वो कैंप भी धीरे धीरे अभी आम पब्लिक फिर उनके घर को जाने का शुरू हुआ है। इसके बाद में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे फिर डिसीजेस शुरू होते हैं, वो डिसीजेस कंट्रोल करने के लिए फिर उसका प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना पड़ता है, जहाँ जहाँ पानी बचे हैं उसके ऊपर फॉगिंग वगैरह जो मेडिसिन उसके ऊपर स्प्रेड करना है वो सब करके आगे जाना है। बाकी के अभी ठीक है, गवर्नमेंट एक जितना करना है वो कर रहे, आगे भी वैसे ही चले। रिलीफ कैंप देखा है आप क्या? रिलीफ कैंप देखा है, कभी भी रिलीफ कैंप्स वो ऐसा होते हैं जितना एरिया होना चाहिए उतना एरिया मुश्किल से मिलता है। अभी बहुत बड़ा थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, अपने लिए स्कूल एक ही है, तो ऐसे इसीलिए जनरली 300-500 ऐसे रिलीफ कैंप्स नहीं रखते हैं, मगर रहने के लिए व्यवस्था नहीं है तो छोटे छोटे इसमें भी रखते हैं। वैसा ये जो रिलीफ कैंप है इतने लोगों के लिए जो बंदोबस्त करें वो ठीक है, उसके लिए मैं टॉयलेट्स भी देखा हूँ, पानी भी देखा हूँ और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो सब ले रहे हैं और सब लोग अभी पानी आज नहीं आए तो सब लोग वापस जाने के